जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, आज जो हमारे देश में जो बातें चल रही है, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण और तरह तरह के जो लोगों में जो फ़र्क है, भेदभाव करने वाली बातें हैं उनको उछाला जा रहा है, तो ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि ये इंटरनेशनली ग्लोबली लोगों को अफेक्ट करती है। हमारे देश के तरफ देखने का नज़रिया दुनिया का बदलता है। तो मुझे इस बारे में ये कहना है कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण जो भी है, हम लोगों का ये जो नज़रिया है, हम लोगों की जो थिंकिंग का जो एक डायरेक्शन होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, जिसे साइकोलॉजी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो हर कोई अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचता है, उससे डिसीजंस लेता है और जो भी अपने वक्तव्य होता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करता है। मतलब हमारे जो मान्यताओं के जो मूलभूत आधार होते हैं, हम उससे हमारी सोच बनती है, उससे हमारे वक्तव्य आते हैं और उसी से हमारे एक्शंस आती है। तो इसके बारे में 2005 में एक बड़ा वक्ता है डेविड फॉस्टर वैलेस करके, इस आदमी ने 2005 में केनियन कॉलेज में एक स्पीच दिया था, जो बच्चों के यूनिवर्सिटी के शुरू में स्पीच दिया जाता है, तो उसको टाइम्स मैगज़ीन ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंसमेंट स्पीचेस रिकॉर्डेड एवर ऐसा उसको करार दिया था। और वो आज भी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो, डेविड फॉस्टर वैलेस 2005 केनियन कॉलेज, आप अगर डालो तो आ जाएगा, उसकी स्क्रिप्ट भी मिल जाती है, तो आप पढ़ सकते हो, ये इंग्लिश में है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, एक उन्होंने अपने भाषण में शुरुआत ही ऐसे की थी कि एक फ़िश टैंक है, फ़िश टैंक में एक बड़ा सीनियर फिश है और वो एक डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, दूसरे विरोधी दिशा में दो जूनियर यंग फिश जा रहे हैं और वो सीनियर फिश यंग फिश ये दोनों को पूछता है, मछलियों को, कि भाई हाय गुड मॉर्निंग बॉयज़, हाउ इज़ द वाटर टुडे। तो ये यंग बच्चे फिश जो है ये तैरते तैरते आगे निकल जाते हैं, उसमें का एक दूसरे की तरफ देखता है और उसको पूछता है, अरे यार ये वाटर क्या चीज़ है, इंग्लिश में पूछता है, व्हाट इज़ दिस हेल वाटर। तो ये स्टोरी का समरी ये है संक्षिप्त में कि हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जीते हैं, हमारे जो मूलभूत आधार होते हैं, जिस पर हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी मान्यता ये उस पर निर्भर करती है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम खुद ही नहीं जानते और हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उन मूलभूत आधार की वजह से हम अलग अलग हमारी राय बनाते हैं, हमारा बर्ताव करते हैं। और हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रिलीजन के लिए अलग है, भाषा के लिए अलग है, राजनीति के लिए अलग है, शिक्षा के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम सोचते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। और हम अगर किसी को मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई अननोन लोग हो, उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होती है, अलग अलग चीज़ के लिए उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होती है। और प्रॉब्लम कब होती है, जब ऐसे अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनके मूलभूत सोचने के आधार अलग अलग है, विचारधारा अलग है, ऐसे लोग आपस में टकराते हैं, वो अगर एक घर में आ जाते हैं या काम की जगह पर एक साथ आ जाते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक साथ आ जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि किसी एक को लगता है कि पर्दा ओढ़ना अच्छी बात है, किसी को लगता है कि वो क्रिश्चियन है तो उसको स्कार्फ लगाना उनकी औरतों के लिए अच्छा है, मुसलमान है तो उनको हिजाब जो चेहरा ढकते हैं उससे सिर ढकते हैं हिजाब अच्छा है लगता है, किसी को लगता है कि ये सब बकवास है, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। अगर हम सामने वाले की फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें सिर्फ ये सिर्फ पहराव की बात नहीं है साथियों, ये कौन से भगवान को आप मान रहे हो, आपकी भाषा कौन सी है, आप किस तरीके का खाना खाते हो, सीधी सी बात है। देखिए, अब कुछ लोगों की यह मान्यता है कि बीफ नहीं खाना चाहिए क्योंकि बीफ के लिए जो गाय मारी जाती है वो उनकी माता है, उनकी देवी है। और कुछ लोगों को लगता है कि यह ऐसा देवी वगैरह कुछ नहीं होता है, यह तो फूड है, हम खाएंगे।
और कुछ लोगों को लगता है कि पोर्क जो मांस होता है, पोर्क डुक्कर का, ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गलत है। बाकी सारे लोग बचे हुए खाते हैं उसको क्योंकि उनको उसमें कुछ गलती नहीं लगती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको कोई भी मांस नहीं चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पर भारत में कुछ ब्राह्मीण फैमिलीज है, कुछ मारवाड़ी लोग, वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको कुछ भी मांस नहीं चाहिए, तो वो हर प्रकार के मांसाहार को गलत बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिंदू है उनको सब मांस चलता है लेकिन सिर्फ बीफ नहीं चलता है। कुछ ऐसे हिंदू है जो बीफ भी खाते हैं, पोर्क भी खाते हैं, हर तरीके का मांस खाते हैं। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये बर्ताव, वक्तव्य या उनके जो मत होते हैं वो प्रकट किए जाते हैं। ये अगर हम समझ नहीं पाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है साथियों, तो मैं आपको एक इंग्लिश पोएट है, कॉमेडियन है, उसकी बात बताता हूँ। उसका नाम था जॉन क्लीज, ये ब्रिटिश कॉमेडियन था। इनका कहना था कि हर एक की अलग अलग थ्योरी होती है, हर आदमी की या औरत की अपनी थ्योरी है और वो थ्योरी सामने वाले से डिफरेंट है। अगर आप आदमी हो तो आपकी वाइफ के साथ वो थ्योरी मैच नहीं करेगी, आप बाप है तो आपके बेटा बेटियों के साथ मैच नहीं करेंगी, आपके पड़ोसी है उनके साथ नहीं मैच करेंगी, आप हिंदू है तो मुसलमान के साथ नहीं मैच करेंगी, आप मुसलमान है तो क्रिश्चियन के साथ नहीं मैच करेंगी। आपकी थ्योरी है वो अलग ही है। तो आप जब अलग अलग थ्योरी के लोग साथ में आ जाते हो किसी काम के बहाने या जबरन आ जाते हो, तो ये थ्योरी अगर मैच नहीं हुई तो समस्या हो जाती है। लेकिन जॉन क्लीज सबसे बड़ी बात यह बोलते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारी थ्योरी अलग अलग है, सबसे बड़ी समस्या ये भी नहीं है कि हमारी अलग अलग थ्योरी है और हम इन अलग अलग थ्योरी को समझ नहीं पाते हैं। जॉन क्लीज कहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस फैक्ट इज दैट कि हमें हमारी खुद की थ्योरी के बारे में ही पता नहीं है। जैसे ये डेविड फॉस्टर वैलेस ने बताया था कि जो जूनियर मछलियाँ हैं, छोटी बच्ची बच्चे हैं, उनको यही नहीं पता है कि वो पानी में तैर रहे हैं, वो तैर रहे हैं लेकिन यही नहीं पता कि इसको पानी कहते हैं, ये पानी है, उनको उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता, उनको उनकी थ्योरी ही नहीं पता। तो हम हमारी थ्योरी को अगर पहचान नहीं पाते हैं, हमारी मान्यता क्या है और ये मान्यता किस आधार पर बनी हुई है, हमारे मूलभूत आधार जो है मान्यता के, फेथ के, विचारों के, बर्ताव के, ये अगर हमें पता नहीं है तो ये सबसे डेंजरस बात है हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। और भारत में यही प्रॉब्लम हो गई है साथियों कि हम हमारी थ्योरी ही नहीं जानते, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं जानते, इसलिए हम खुद को पहचान नहीं पाते हैं, हम खुद के बारे में गलतफहमी कर लेते हैं, तो दूसरे को पहचानना और दूसरों को समझना तो दूर की बात हो जाती है। और फिर हम हिजाब क्यों नहीं पहनना चाहिए, और फिर ये भगवा क्यों करना चाहिए, गाय क्यों खानी चाहिए, पोर्क क्यों खानी चाहिए, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए, मंदिर में क्यों जाना चाहिए, और फिर टीका ही क्यों लगाना चाहिए, साड़ी क्यों पहनना चाहिए, ये ऐसे इस प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं और हमारी ही बात सही है, हम ही सच है, हम कहे वही सच है, इस पर अड़ जाते हैं, इस ईगो में फंस जाते हैं। तो मेरे वीडियो का जो कहना है उसकी समरी यह है कि जब तक हम खुद की थ्योरी नहीं क्लियर करेंगे, खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं जानेंगे कि हम जो मान कर चल रहे हैं ये किस आधार पर हम मान रहे हैं, इसके आधार क्या है, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ये एक्चुअली रियलिटी प्रेजेंट करती है, मैं जो मान रहा हूँ यही रियलिटी है या इसके और भी कोई अंग है, पहलू है जिनको मैंने समझना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, या वो भी बात सच हो सकती है या फिर मेरी ही बात सच है ऐसा हम मान रहे हैं। तो साथियों ये हमें आत्म परीक्षण करना है, इसका इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्शन करेंगे तब हम खुद को जान पाएंगे, और अगर हम खुद को जानेंगे तभी हम दूसरे हमारे भाई बहनों को जान पाएंगे। वरना राजनीति करने वालों की तो बात फिक्स है, उनको ऐसे खुद को पहचान न पाने वाले और दूसरों को समझने न समझने वाले ऐसे ना समझ लोगों की ही तलाश होती है, और वो उनके एजेंडे फिर हम जैसे ना समझ जो लोग हैं समाज में इनमें चलाते हैं और उनकी रोटियां सेक लेते हैं, बाकी उनको कुछ लेना नहीं होता है, कोई हिजाब पहनो या कोई भगवा रंग के टॉवल्स पहनो,
कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। आई थिंक आई हैव मेड सेंस। अगर आपको ये सोच पसंद है, अगर ये विचार पसंद है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।